अभी हमको कुछ बात करना है आपसे। ये केस के दौरान बहुत कुछ सुना है आप हमको, अब हमरा बारी है। अरे छोड़ ना बेटा, इसको हम घर में रहने दिए, यही गलती की है। देखिए तो कैसा धूम दबा के भाग रहे थे। देवर जी जाने दीजिए ना, अरे हम बहुत सुना है इनको। हाँ देखिए अब पछता भी रहे हैं। चले चलो 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 चलो। आप सोच रहे होंगे कि हम छूट कैसे गए। आप तो हमरे खिलाफ गवाही दिए थे और आपका गवाही के बाद तो हमको जेल हो जाना चाहिए था ना, है ना? अरे छोड़ ना बेटा, ये गद्दार से बाद में निपटेंगे, पहले वो कोर्ट का कागज आ जाने थे। हमरा भाई हो गए, आप हमरे खिलाफ गवाही दिए थे ना, आज टुनुआ और निमकिया का दोस्त होकर हमरे लिए गवाही दिया है। जैसे आप हमसे गद्दारी किए ना, वैसे ही वो निमकिया से गद्दारी कर दिया। ऋतुराज बब्बू सिंह वाला हमको धर के लेके चला गया था सब, सौदा करने के लिए किडनैप किया था सब हमको उसे। तो मतलब बब्बू सिंह अपना मर्जी से नहीं आए थे, निमकी जी उनको बुलाई थी, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ। तो सुन लो, अरे तुम बोलने लायक है क्या? हम नहीं भी मगर तू भी क्या? तुम पर निकालिए बाहर उसको। बहुत बड़ा विश्वासघात किया तुम आज, तुमने आज तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। पीड़ित बाबू एक बार हमारा बात सुनिए। वीडियो बाबू, इसको जीने का कोई हक नहीं है। ये हमरी दीदी के साथ धोखा किया है। अरे 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 हमको मार दो, हमको जान से मार दो, लेकिन एलिना को तो बचा लो। मतलब क्या हुआ एलिना को?
एलिना को बचा लो। एक मिनट रुक जाइए, कहाँ है एलिना? हाँ बेटे बाबू, बब्बू सिंह उठाकर लेकर गया एलिना को। हमको धमकी दिया था इसलिए तो अदालत पे झूठ बोल रहे हैं। उसको बचा लीजिए बेटे बाबू। ये झूठ बोल रहा है? हाँ हाँ, ये मार खाने के डर से ना नायर झूठ बोल रहा है। रुक जाओ, हम झूठे ही बोल, नीम के कसम से बोल रहे हैं। हमारी दीदी का नाम बदले ना तू। नहीं नहीं, एक मिनट, ये सही बोल रहा है। हमने ऐसा कभी नहीं कर सकता। निमकी, हम खुद देखे। अरे अम्मा बब्बू से बात कर रही थी फोन पर और बहुत खुश थी। हूँ आप लोग हमको बांध लीजिए, जान से मार दीजिए, लेकिन बीडियो बाबू अपना एलिना को बचा लीजिए। निम्की अपना अपना एलिना को बचा लो तुम। हम बहुत खोजे एलिना को लेकिन कहीं नहीं मिली वो हमको। अगर एलिना को कुछ हो गया ना तो छोड़ेंगे नहीं बब्बू सिंह को, जिंदा जला देंगे। चलिए हवेली, चलिए। रुक जाइए, अगे पर्वतिया, सबके लिए खाना लगाओ रे। अरे सलहत जी का फोन। कौन सलहत जी? अरे आपकी प्यारी बहू नमकीन कुमारी उर्फ निमकी मुखिया। बहुत मजाक सोच रहा है का आपको? हैं? ओकरे औकात है हमारी बहू बनने का? बेटा बब्बू, अरे उठाओ ना, हम भी सुन के मजा लेते हैं। का माफी मांगने के लिए फोन की है? ए बब्बू सिंह, फालतू का बात नहीं, चुपचाप बता अलीना कहाँ है, नहीं तो तुम्हारा हवेली को ना आग लगा देंगे। कौन अलीना? ओ अच्छा अच्छा, वो लड़की जो हमरे यहाँ रहने आई थी, बीडीओ की बेटी। ए पप्पू सिंह, एलिना को अगर कुछ हुआ ना तो ना बीडीओ भी है का तुमरे साथ? अच्छा का शोक मना रहे हो का दोनों हारने का? पप्पू सिंह मत खेल हमरे साथ, आज नहीं तो बुरा हो जाएगा, बोल दे रहे। अरे तो कहाँ कर लगी रे, अदालत में कुछ कर पाई थी तो? अरे तुमको तो शर्म से चुन्नू भर पानी में डूब मरना चाहिए रे। ऐसा करो ना, वो चावर वाला जो नदी है ना, जाके उसे में कूद के जान दे दो। तो तुम लोग से तो बाद में निपटेंगे, आखिरी बात पूछ रहे हैं अलीना कहाँ है बता दो। ए सुन, कहाँ अलीना कहाँ है? अलीना कहाँ लगा रखा है? हार गई हो तो नया नाटक शुरू कर दिया है। हमको नहीं पता अलीना कहाँ है, जाके ढूंढ लो उसको, हमरा मत दिमाग खराब करो। और हाँ, अगर पुलिस में भी जाना है ना तो चली जाओ। एक ये है खिलाफ है। हम बोले थे ना कि झूठ बोल रहा है। मासी वो एलिना, एलिना अभी घर पहुंची टिंकू, कोई उसको मुंगेरी के सर पे भी चोट लगा है। हम आते हैं अभी मासी, आते हैं। पापा आ रहे बेटा, पापा आ रहे। अरे बब्बू हमारा बाइज्जत बरी हो गया ना।
सब कोई को बता दे कि बब्बू बेगुनाह है। धत, अरे पागल जेल का है होगा रे? लगता है सब मना रहे थे कि जेल हो ही जाए देवर जी को। हैं? मुंह बंद रख अपना। जब निमकिया भी ना देखना चुपचाप शांत बैठ जाएगी। ये वीडियो जो भी है ना फुदकना बंद कर देंगे। शाबाश बब्बू, बहुत अच्छा काम किया बेटा। साले साहब ना आखिरी बाल पे छक्का मार दिया। डायमंड बाबू कहाँ है भाई? आज का हीरो तो वही है। अरे वो छौड़ी का सारा झूठ पकड़ा गया। सुन ना, एगो काम कर, सब कोई में मिठाई बंटवाते। अरे वही बहाने सब लोग जानेगा तो। चल अब फोन रख, आओ सबको भी बताएंगे ना रे। हाँ चल। ए गजब वाली, हाँ इले तो एगो आओ फोन लगा के दे। अशोकवा की जोरू को लगा, बहुत ताना मारी थी ना हमको। देख रहे हैं आपकी सासू जी कितना खुश है। आज तो पूरा दुनिया को फोन लगा के बता देंगी। काहे ना करें, इतना खुशी का बात जो है ना डब्लू भैया। रुक जा, कहाँ कहाँ जा रहे बेटा? अबे बैठ, हमारा बर्बादी में तो बड़ा खुश हो रहा था है? और हमारा खुशी में शामिल नहीं होगा है? आज हम अपने बिजनेसमैन बेटे को अपने हाथ से हलवा खिलाएंगे। ये फोन लगाओ ना अपनी माई को। अरे सासू जी, कब से फोन कर दी अपनी माई को। हाँ हमारी माई तो विश्वास ही नहीं कर रही थी, फिर हम आपका कसम खाए तब जाके मानी। क्या बोली, काहे नहीं मान रही थी? अब वो का है ना, नंदोई जी और ससुर जी कुछ कर कहाँ पा रहे थे देवर जी के लिए, वही चिंता हो रहा था माई को। और हम बता दिए हैं माई को कि हमरे जो देवर जी है ना, वो नंदोई जी और ससुर जी से भी बड़का वाला दिमाग पाए हैं। वो जो भी करते हैं ना एकदम सही करते हैं। कांड भी तो यही किए थे, याद है ना? अरे अपने बाप का बेज्जती का बदला लेने गया था हमरा बब्बू, भूल गए हैं का वो दिन जब गोबर में लथपथ होके आए थे घर? जरा सा अपने बाबूजी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ उससे और उसका मन भर आया। आई कमीना गद्दार, इसको जर को फर्क पड़ा था। हम क्या कह रहे हैं सासू जी, ससुर जी को ना आप मैदान छोड़ देना चाहिए। कहे कि मैदान का नया खिलाड़ी आ चुके हैं भाई। का भाभी बहुत मस्का लगा रही हैं? हाँ ठीक है तो कह रही है गजबा वाली। मलिकार हम तो कहते हैं ना कि अब आप आराम कीजिए, समझे, हमारा बब्बू सब संभाल लेगा। आप ही ना कहते थे कि सत्ता के लिए ताकत चाहिए, तो अब तो आप बुढ़ा गए, हमारा बब्बू ताकतवर है। ए, सबसे पहले हलवा डब्लू भैया को खिलाओ। रुको, एक काम करते हैं, इनको हम अपने हाथ से खिलाते। खाइए ना भैया। डब्लू जी खाइए, समय के साथ चलने में ही समझदारी है। आप ठीक तो है ना बेटा? तरवा का छोटा बेटा था सर। डायमंड,
तो हम उसका शकल तो नहीं देख पाए लेकिन आवाज पहचान लिया उसका। अब समझ में आया इसलिए सुबह से बब्बू और डायमंड घर से गायब थे। फिर क्या हुआ? फिर जब हमारा आँख खुला तो हम देखे कि हमारा हाथ पैर बांध के सब वहाँ पे रूम में लेटाए हुए और एलिना भी आप फोन से टूने से बतिया रही थी लेकिन वो टाइम भी हम डायमंड का शकल नहीं देख पाए। एलिना तभी भी डरी नहीं थी वीडियो बाबू, वो फोन पर बार बार हमको बोल रही थी कि इन लोगों का बात मत सुनो तुमने, लेकिन हम ऐसे कैसे उसका जान का सोच कर निकले थे हम निम्की को न्याय दिलाएंगे, बब्बू सिंह को सजा दिलाएंगे, उसको उसको जेल के पीछे भेजेगा, क्या होगा? क्या है जो कह रहे हैं चुपचाप सुन। तुमको जज के सामने बस इतना कहना है कि निम्की बब्बू भैया को बुलाई थी। सब पगला वगला गए होगा। जो कह रहे हैं चुपचाप कर, नहीं तो क्या बे? तुमने ना डरने वाला आदमी है, भाग यहाँ से। जाने से पहले तू ही देख। रीना क्या है सब? छोड़ो रीना को तुम, छोड़ो। सुन बे, अंदर जा और वही कर जो हमारा आदमी बोला करने को, नहीं तो आज वीडियो की बेटी जान से जाएगी। समय बहुत कम है, जा अंदर और जो बोला गया है बोल जज के सामने। को माफ कर दीजिए वीडियो बाबू, को माफ कर दीजिए। माफी तो हमको आपसे मांगना चाहिए टुन्ने बाबू, आज गुस्सा में आके हम आप पर हाथ। टुन्ने, तुम जो किए हो एकदम एकदम सही किए हो, कुछ गलत नहीं किए। हम नहीं जानते कि हम सही किए हैं कि गलत, मगर अगर हमारे कारण तुमको न्याय नहीं मिला निम्की, मेरी वजह से बब्बू सिंह बेकसूर साबित हो गया। बब्बू सिंह को सजा तो मिल के रहेगा टुन्ने बाबू, हम लोग को पुलिस में रिपोर्ट कराना चाहिए। क्या होगा उससे बताइए, क्या होगा? मुंगेरी लाल जी डायमंड का शकल नहीं देखे और कोर्ट में अगर टुन्ने ही बोलेगा कि डायमंड धमकी दिया है, उन्हों का वकील सब कुछ झूठ साबित कर देगा। फिर उससे कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बब्बू सिंह को उसके किए का सजा मिल के रहेगा, ये हमारा वादा है तुमसे निम्की।